इस वीडियो का शीर्षक है अधूरे सपने। एक बच्चा जो एक मध्यम परिवार में पैदा हुआ, आगे चलकर उसके पिता बैल ने उठा के फेंक दिए, किसान थे, एक हाथ से काम नहीं होता था, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि उस बच्चे की माँ घर घर जाती, एक एक किलो आटा लेकर आती, कई बार नहीं भी मिलता तो बच्चे भूखे सोते, वो भी भूखे सोते, माँ बाप भी। उनमें से एक बच्चा जिसने ठानी कि मैं पढ़ के दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा, बेलदारी करता, सब्जी बेचता, फल फ्रूट बेचता, कहीं दुनिया भर के काम करके उसने पढ़ाई करी, वो सीनियर हाई सेकेंडरी पास हो गया, आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसके माँ बाप का साया सिर से छिन गया, पिता भी एक्सपायर हो गए, माँ भी एक्सपायर हो गई, चार भाई एक्सपायर हो गए, दो बहनें एक्सपायर हो गई, बच्चा होपलेस हो गया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, आगे जाकर उसने एक बूंदी में जो शिवरानी होटल थी उसमें मैनेजर का काम किया, उसके बाद वो शिक्षा विभाग में घुस गया, संतोष स्कूल में उसने पढ़ाने का काम किया। वो उसने लगभग 13 साल तक बच्चों को पढ़ाया, खुद का निजी कोचिंग चलाया, फिर उसने ज़मीन जोतना शुरू किया, खुद की ज़मीन भी करता, दूसरों की ज़मीन भी करता। 2015 में ऐसे ओले गिरे 250 ग्राम के कि सब कुछ सत्यानाश हो गया। वीडियो कैसेट कंपनी डाली, कैसेटें बनाए, उसमें भी वो फ्लॉप गया क्योंकि सीडी डीवीडी बंद हो गए। तो बच्चा घबरा गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। वो वहाँ से आगे बढ़ा, उदयपुर की ओर रवाना हुआ और गार्ड की नौकरी करने लगा। किसी मिशन में जुड़ गया था, वहाँ भी बहुत नाम कमाया छोटी सी आयु में। ईश्वर ने गॉड गिफ्ट में कवि का गुण दिया, उसी गुण को लेकर वो बच्चा यूट्यूब पर आ गया। वो बच्चा मैं हूँ मैं।